अस्सलाम वालेकुम क्रिएटिव राइटिंग कोर्स में टॉपिक है वाई रिव्यू पहले हम किसी चीज़ को लिखने से उसकी प्लानिंग करते हैं रिसर्च करते हैं फिर लिखते हैं फिर उसके बाद एक मरल है उसको रिव्यू करने का नाउ यू माई टास्क वाई डू वी नीड टू रिव्यू वी वर्क सो हार्ड ऑन द प्रिपरेशन एंड ऑन द राइटिंग तो अब इसको दोबारा देखने की क्या ज़रूरत है तो उसकी इस चीज़ को हम आज देखेंगे कि उसकी ज़रूरत क्यों है और एक्चुअली जो एक एवरेज uh, मीडियाकर लिखाई में और ग्रेट लिखाई में फ़र्क री राइटिंग का ही होता है और एक राइटर हैं उन्होंने एक किताब लिखी है स्टीफन किंग ने राइटिंग के बारे में उसमें उन्होंने कहा है कि देर इज़ नो ग्रेट राइटिंग ओनली ग्रेट री राइटिंग यानी री राइटिंग वो एक जगह है जहाँ पे एक आम लिखने वाले में और एक बहुत स्पेशल और ज़बरदस्त लिखने वाले में डिफ्रेंस आता है तो लेट्स सी मोर अबाउट दिस इसकी क्या ज़रूरत है एक तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है स्पेलिंग एरर्स तो अगर आप स्पेशली कंप्यूटर के ऊपर लिख रहे हैं और वो ऑटो चेक है कई दफ़ा वो मिस रीड कर लेता है या वो ऑटो करेक्ट है वो आपकी मकसद कुछ और लफ्ज़ करने का होता है और वो कुछ और उसको पिक कर लेता है तो स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स जितने पढ़े लिखे भी लोग हों एक्सपीरियंसड हों कुछ ना कुछ एरर्स होते हैं तो एक तो ये प्रूफ रीडिंग बेसिक सी प्रूफ रीडिंग पंक्चुएशन वगैरह के लिए ये सारी चीज़ों के लिए आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है Uh, दूसरे ये है कि मिसिंग वर्ड्स राइटिंग करते वक्त ये आपको इनकरेज किया जाता है कि आप अपने फ़्लो के साथ लिखें दोबारा दोबारा रुक के उसको ना देखें एक कदम आगे और दो कदम पीछे ना करें जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ योर क्रिएटिव थिंकिंग तो उसमें ये होता है कि यू आर फॉलोइंग योर फ्लो एंड योर थॉट्स आर कमिंग रियली फास्ट तो आप लिखते जाते हैं और उसमें कई दफ़ा लफ्ज़ छूट जाते हैं आपको तो मालूम है कि वो लफ्स क्या है लेकिन पढ़ने वाले को ज़ाहिर नहीं मालूम और जब आप उसको पब्लिशिंग के लिए देंगे या आप अपने क्लाइंट को देंगे कि ये हमने तैयार किया है तो वो कहेंगे कि इंप्रेस नहीं होंगे और आपकी क्वालिटी में आ, जो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ लगेगी बेशक आपने उस पर लिखने पर कितनी मेहनत की हो रिसर्च कितनी साउंड और एक्सटेंसिव और इंटेंसिव हो लेकिन ऐसी चीज़ों से आपकी केयरलेसनेस और लैक ऑफ़ सीरियसनेस कन्वे होगी आपके क्लाइंट को जिसके लिए कि आप असाइनमेंट कर रहे हैं सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अक्सर जब ये गलतियाँ पॉइंट आउट की जाती हैं तो पीपल फ़ील के तो क्या हो गया तो छोटी सी चीज़ है इन्हीं छोटी चीज़ों से आपकी सीरियसनेस अपने प्रोफेशन के साथ कोई भी काम हो वो शो करती है सो दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट उसके अलावा ये है कि कई दफ़ा जब आप लिख रहे होते हैं तो उसमें कोई आ, ख्याल आपके जहन में तो पूरा है लेकिन लिखने में कोई उसका रबता थोड़ा सा डिसकनेक्टेड होता है दर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन वन थाट एंड द नेक्स्ट थाट तो एक लिंकिंग कोई फ्रेज़ या कोई सेंटेंस आपको बीच में ऐड करना पड़ता है ताकि पहली वाली बात का दूसरी वाली बात से रब्त बन जाए और वो आपको अगेन जब आप उसको रिव्यू करेंगे दोबारा से पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको उसका आइडिया होगा सो दैट इज़ वाई दिस स्टेज इज़ सो इम्पॉर्टेंट फिर इन्फॉर्मेशन में हो सकते हैं कोई गैप्स कोई बात आपने लिखी हो कि ये ऐसे होता है और उस वक्त लिख दी हो फ्लो में लेकिन हो सकता है कि आपको ठीक से मालूम ना हो या कोई उसमें मज़ीद इन्फॉमेशन की ज़रूरत हो जो कि आपके पास उस वक्त नहीं थी और आपने सोचा चलो जिस वक्त रिव्यू करने बैठूंगी या बैठूंगा तो उस वक्त इसको मैं ऐड कर लूँगा तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको दोबारा से नज़रसानी ज़रूर करें अपने लिखे हुए को और अगर आपके गैप्स हैं इन्फॉर्मेशन में तो रिसर्च जो है वो क्योंकि रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट बात है और रिसर्च हम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शुरू में ही करें लिखते हुए भी थोड़ी बहुत हो सकती है और उसके बाद जो है जब आप उसको रिव्यू और एडिट कर रहे हैं उस वक्त भी, भी हो सकता है आपको दोबारा से कोई चीज़ें लुकअप करनी पड़े हो सकता है आपने कोई मिस्ट्री की किताब लिखी और आपका मिस्ट्री uh, की कहानियाँ लिखने का बड़ा अच्छा इंटेलिजेंस है और जहन है तो वो तो आपने लिखनी लेकिन यू हैव सेट इट इन अ हॉस्पिटल सो नाउ यू नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट द हॉस्पिटल अबाउट द टूल्स एच्रा दैट आर यूज देर सो दैट योर स्टोरी लुक्स कम्प्लीट एंड रियल और पढ़ने वाले को ये महसूस हो कि हॉस्पिटल में ही वो भी है जब वो आपकी किताब पढ़ रहा है तो uh, ये कुछ चीज़ें अच्छा एक और चीज़ है जिसको कि explain नहीं किया जा सकता लिखने में लुत्फ जो आता है जो ग्रेट राइटिंग होती है हो सकता है आपकी सारी चीज़ें ठीक हो ग्रामर ठीक हो अ वो लैंग्वेज ठीक हो स्पेलिंग्स पंक्चुएशन सारी चीज़ें ठीक हो इंफॉर्मेशन कोई मिसिंग नहीं हो चेन ऑफ थाट अपनी जगह पर हो लेकिन कोई उसमें ख़ास बात आपको लग रहा है मिसिंग है कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पढ़ने वाला क्या वाओ या पढ़ने वाला एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाए तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब हम अपने लिखने पे और उसकी प्रेपरेशन पे मेहनत करते हैं इतनी तो उसके बाद उसको रिव्यू की स्टेज पे ला के भी उसको अटेंशन दें ताकि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हमारे सामने आए वो कम्प्लीट हो और उसमें वो दैट समथिंग स्पेशल या वो मैजिकल टच भी हो और उसको करने के तरीके हम आइंदा देखेंगे लेकिन ये कि फॉर नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बैक टू द टेक्स्ट दैट यू हैव डेवलप्ड एंड रिव्यू इट एंड एडिट इट थैंक यू